नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए हुए लगभग एक साल हो गया। अब एक साल होने ही वाला है, चार दिन के अंदर एक साल हो जाएगा। और इस बीच पूरा विपक्ष मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध करती रही और सबसे ज्यादा जो हंगामा मचाने वाली पार्टी थी वो कांग्रेस थी। कांग्रेस तो ऐसे बात कर रही थी जैसे पाकिस्तान की भाषा बोल रही हो। हमेशा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाली, उसके साथ साथ जो वहाँ के नेताओं का जो हाउस अरेस्ट नेताओं को किया गया है उसकी तरफदारी, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो मानवाधिकार हनन के कुछ मामले उठाने में लगी हुई थी। यानी कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद वहाँ के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ जो कश्मीर में क्या फायदा होगा लोगों को, आतंकवाद पर सरकार की नीतियां कैसे बदलेगी, इन चीज़ों पर चर्चा नहीं करना है। लेकिन वहां के राजनीतिक हालात को लेकर सबसे ज़्यादा सीरियसनेस कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने दिखाई थी। और इस बीच जो जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने का एक साल मनाया जाने वाला है, तो उस पर भी कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के चमचे जो मीडिया हैं वो अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साल में जम्मू और कश्मीर में क्या बदला है। एक साल में जम्मू और कश्मीर और अंधेरे में चला गया है, वहां के लोगों के जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि सरकार की इस नीति से देश को नुकसान उठाना पड़ा है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। लेकिन जो असलियत है, जो स्थितियां हैं जम्मू और कश्मीर की, जो सरकार ने रिपोर्ट दी है और कुछ अलग अलग जगहों से जो जम्मू और कश्मीर के इस एक साल के हालात के बारे में जानकारी मिल रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। वो एक तरह से मोदी सरकार के कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के मुंह पर तमाचा जैसा है, जो पूरे एक साल तक हंगामा खड़ा करते रहे कि जम्मू और कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म नहीं किया जाना चाहिए था। जो जम्मू और कश्मीर में जब विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया और जम्मू और कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, दूसरा लद्दाख को बनाया गया, तो दोनों जगह पर अलग अलग स्थितियां बहाल की गई। और जो कश्मीर वैली है वहां पर का प्रशासन, जम्मू का प्रशासन, इसमें बदलाव हुआ है। राजनीतिक स्थितियां थोड़ी सी अस्थिर हुई है, लेकिन वहां के लोगों के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लोग जो सालों से वहां पर नागरिकता के आस में बैठे थे, उनके जीवन पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। तो जम्मू कश्मीर के एक साल होने वाला है यूनियन टेरिटरी बने हुए, विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुए हुए, और उस समय जो मोदी सरकार ने वहां पर काम किया है, विपक्ष ने जो चिल्लपो मचाया और हंगामा करता रहा जबकि मोदी सरकार वहां पर काम करती रही है, जिसके बारे में जानकारी बहुत कम दी जा रही है। अब इस बीच हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि वहां पर रोजगार की क्या स्थिति रही। रोजगार से मतलब है कि सबको रोजगार की सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ पर जो लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल से रह रहे हैं, उनको भी जम्मू कश्मीर में जो सृजित होते हैं रोजगार, सरकारी नौकरियां होती है, उसमें उनकी भी भूमिका हो, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि राज्य का डोमिसाइल बनाया जाए। अब डोमिसाइल बनाने के लिए मोदी सरकार ने जो प्रक्रिया शुरू की, उससे इस बीच एक महीने में करीब करीब 4 लाख लोगों को फायदा हुआ है। ये जो गवर्नमेंट पोर्टल के आंकड़े हैं जो सरकार ने जून महीने में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बहुत सारी गतिविधियां रुक सी गई है। जम्मू कश्मीर की सिर्फ बात नहीं है बल्कि पूरे भारत में कई आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां रुक गई है, और इसके कारण हर जगह में विकास संबंधित कुछ काम प्रभावित हुए हैं, कुछ काम नहीं हो पाए हैं, और सरकार के जो बड़े बड़े पैकेज हैं वो अभी तक उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। उसका असर जम्मू कश्मीर पर भी पड़ा, लेकिन उस असर को भी निगेटिव तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात पहले से खराब हो गए हैं। तो सबसे पहले जो बात इसी की कर रहे हैं कि जब ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई डोमिसाइल बनाने की, तो एक महीने में 370,000 लोगों को जम्मू और कश्मीर का डोमिसाइल बनाया गया। यहाँ तक कि इन लोगों को जो डोमिसाइल बनाया गया है उसमें
290,000 जम्मू क्षेत्र के हैं, जबकि 80,000 के करीब लोग घाटी के क्षेत्र के हैं। यानी कि कश्मीर वैली के भी 80,000 लोगों को एक महीने के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने से इन जो करीब चार लाख लोगों की पूरी जिंदगी में प्रभाव पड़ेगा, जिंदगी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डोमिसाइल ना होने के कारण ये लोग जो 15-20 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उन लोगों को वहाँ के सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करने का भी मौका नहीं मिलता था। यहाँ तक कि वहाँ के शिक्षण संस्थानों में भी वो एडमिशन के लिए तड़पते रहते थे, उन्हें एडमिशन नहीं मिलता था। अब जो लोग 4 लाख 5 लाख 6 लाख जो लोग हैं, अभी तो एक महीने का आंकड़ा आया है, और उससे पहले जो प्रभावित हुई है स्थितियाँ, फिजिकली बहुत सारे मूवमेंट कम हुए हैं कोरोना वायरस के कारण, अब वो आगे जो बढ़ेगा और उसमें करीब जो 5 लाख से ऊपर अभी बचे हुए लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं, जिनको परमानेंट सिटीजनशिप मिलना था वहाँ का, और उसके साथ साथ जो परमानेंट रेसिडेंट वहाँ के हैं लेकिन डोमिसाइल नहीं बन पाए हैं, उनके जीवन भी प्रभावित होने वाले हैं। अब ये 4 लाख लोग सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वहाँ के शिक्षण संस्थानों में एडमिशन उनके बच्चे ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन में नया प्रकाश आएगा, उनका जीवन पॉजिटिवली प्रभावित होगी। ये रोजगार के क्षेत्र में ही सिर्फ नहीं है, बल्कि शिक्षा और रोजगार दोनों में जो इन डोमिसाइल नीति के कारण जो इनको प्रभावित की हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आर्टिकल 370 को कमज़ोर किया जाना और 35A को ख़त्म किया जाना है, क्योंकि 35A के कारण ही जो सालों से जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग थे, उनको भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। जम्मू में रहने वाले और कश्मीर में रहने वाले इन लोगों में 20,000 के करीब, जो 4 लाख की बात कर रहे हैं उसमें 20,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से भागकर आए थे, जो पाकिस्तान की प्रताड़ना के शिकार होके भागकर वहां से आए थे और जम्मू में और कश्मीर घाटी में बस गए थे, लेकिन उसके बावजूद, जबकि वो 50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बावजूद इनके पास वहाँ का परमानेंट रेसिडेंट होने का प्रमाण पत्र तो था, लेकिन डोमिसाइल नहीं बन पाए थे। डोमिसाइल नहीं बनने के कारण इनके रोजगार के रास्ते सीमित हो गए थे, उसके साथ साथ इनके बच्चे को पढ़ने के लिए जम्मू और कश्मीर से बाहर का रुख करना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में जो लाखों लोग वहाँ पर रहते हुए भी वहाँ के डोमिसाइल 35A के कारण नहीं बन पाए थे, उसका भुगतना पड़ता था कश्मीर के दूसरे मामलों में। आतंकवाद से पीड़ित कश्मीर को उन्हीं युवाओं की जरूरत थी, और ये पाकिस्तान के जाल का शिकार बनते थे। डोमिसाइल नीति के अलावा रोजगार के क्षेत्र की जब बात कर रहे हैं, तो ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था और विपक्ष जब हंगामा कर रही थी, तो उस समय मोदी सरकार ने कहा था कि कश्मीर में 50,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां सृजित की जाएगी और अगले कुछ सालों में इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया जाएगा, लेकिन ये 50,000 का आंकड़ा बढ़ के 84,000 हो गया है, और जम्मू कश्मीर में 84,000 पद जो रिक्त हैं उस पर खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और पहले फेज में 10,000 लोगों को तो नियुक्त किया जाना भी शुरू कर दिया गया है, और उसके अलावा जो अलग अलग फेज में वहां पर सरकारी नौकरियों में भर्ती शुरू हो गई है, जिसमें ये लोग भी होंगे जो अभी डोमिसाइल बने हैं। इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की कोशिश की जा रही है, और जो डोमिसाइल नीति है उसके तहत जो 15 साल से रह रहे थे लोग, उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई लोग जो पहले से वहाँ रह रहा है और वो 10 साल तक वहाँ सर्विस कर चुका है, तो वहाँ के उनके बच्चों को भी वहाँ का डोमिसाइल बनाया जाएगा, जिससे नौकरी और शिक्षा में उनका योगदान बढ़ सके और उनकी भूमिकाओं का इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा जो शिक्षा और रोजगार की नीति के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में सालों से संघर्ष कर रहे पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन देने की बात भी की गई है। रिजर्वेशन की बात अगर करें तो जम्मू कश्मीर में कई सालों से जो अटकी हुई सारी नीतियां थी उस पर फटाफट फैसला हुआ है, और अब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिसको EWS कहा जाता है, इकोनॉमिकली
वीकर सेक्शन, उनको भी 10% रिजर्वेशन देने का रास्ता साफ कर दिया गया है। और जैसे ही ये कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म होगा, इस दौर से बाहर निकलेंगे और नौकरियां जब सृजित होनी शुरू हो जाएगी, आगे बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ इन लोगों को भी रिजर्वेशन का फायदा उठाया जाएगा और ये लोगों को उसका फायदा मिलेगा। असेंबली में भी SC ST के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिए गए हैं और उनको रिजर्वेशन के लिए भी सरकार ने सारी नीतियां बना दी है, जिसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो रोजगार, शिक्षा, रिजर्वेशन के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो सबसे बड़ी समस्या है, और वो है आतंकवाद। अगर पिछले एक साल का रिकॉर्ड देखें तो आतंकवाद पर इसका बड़ा असर पड़ा है। भारत सरकार ने जो जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है और वहाँ विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ है, तब से आतंकवाद पर अंतिम प्रहार करना शुरू किया है। और जो आतंकवाद की घटनाएं हो रही थी, दो तरह से हो रही थी। एक तो मानसिक तौर पर आतंकवादी बनाने की गतिविधियां जम्मू कश्मीर में चल रही थी, जिसमें वो युवक होते थे जो हथियार उठाने से पहले पत्थर उठाने की ट्रेनिंग लेते थे, यानी पत्थरबाजी करने से उनकी ट्रेनिंग शुरू होती थी और उसके बाद यही लोग बाद में चल के इसमें से कुछ लोगों को AK-47 थमाया जाता था। अब पत्थरबाजी की घटनाएं जिस तरह से काबू में आई है, उससे ये समझ में आएगा कि जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद से पीड़ित क्षेत्र है, वहाँ पर कितना बदलाव हुआ है। पिछले दो साल का रिकॉर्ड देखें तो 2018, 2019 और उसके बाद ये 2020 के 6 महीने, इन पूरे 2.5 साल में जम्मू कश्मीर में बदलाव दिखाई पड़ेगा। 2018 में जहां 800 से ज़्यादा पत्थरबाजी की घटना हुई थी और 2019 में वो घटकर 666 हो गई। और अब इस साल की अगर बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से आर्टिकल 370 को कमज़ोर करके वहां से विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म किया गया है, तो उसके बाद के इस 6 महीने में जो पिछले साल की अपेक्षा 95% पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई है। इस बीच तो मात्र 40 ऐसी घटनाएं देखी गई जिसमें लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंका और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाकर आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती थी और उनके हाथों में हथियार थमाया जाता था, उसकी घटनाओं में भी जो युवा को बरगला के आतंकवादी बनाने के जो घटनाएं थी और जो युवा वहां पर आतंकवादी की ट्रेनिंग लेते थे, उसकी संख्या में भी 50% से ज़्यादा की कमी आई है। 50% यानी कि पहले की अपेक्षा आधे हो गए हैं जो युवा आतंकवाद की तरफ जा रहे थे। और अगले 1-2 सालों के अंदर कश्मीर का कोई भी लोकल युवा जो है वो रोजगार की तरफ देखेगा, वहाँ के विकास की तरफ देखेगा, आतंकवाद की तरफ नहीं देखेगा, जैसी स्थितियाँ सामने आ रही है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के रीढ़ तोड़ने की घटना, यानी कि सुरक्षा बलों को जो ताकत दी गई है, सेना को जो ताकत दी गई है और आतंकवादियों से 1-to-1 फाइट करने की जो घटनाएं हुई है, उसमें पिछले 1 सालों में 150 से ज़्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार चुकी है भारतीय सेना और भारतीय जवान। और ऐसे जो पूरे मौके को देखा जाए तो पिछले 1 साल में जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है, वहाँ की तस्वीर बदलती नज़र आ रही है। ये जो मीडिया में हंगामा चलता है और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियाँ जो सिर्फ वहाँ के राजनीतिक घटनाक्रमों को, वहाँ के कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के, डिटेंशन के और इंटरनेट और नेटवर्क की बात करके हंगामा मचाए रहते हैं, वो लोग वहाँ के असली तस्वीर को नहीं बताते और न ही उनके जो इर्द गिर्द की मीडिया है वो बताती है। आज भी कई मीडिया जो हाउसेस हैं वो 1 साल के जो जम्मू कश्मीर के यूटी बनाने की घटना है, 1 साल होने वाला है, और उसके काले पक्ष को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें 2-3 मामले ही आपको देखने को मिलेंगे, एक राजनीतिक जो
वहां के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, दूसरा वहां पर इंटरनेट सेवा बहाल नहीं किया जा रहा है, और तीसरा वहां पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है। ये तीन फेवरेट टॉपिक हैं इन लोगों के लिए, जिसके लिए ये हंगामा खड़ा किए रहते हैं। वहां के ट्रेड, वहां के टूरिज्म, वहां के रोजगार, वहां के शिक्षा के बारे में एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि इन चीजों पर बोलते ही वो अपने ही जाल में फंसते नजर आएंगे। तो ये जम्मू कश्मीर की स्थिति है, और एक साल में जो बदलाव हुआ है उस पर विपक्ष बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरे जो मीडिया हाउसेस भी हैं बहुत सारे, जो विपक्ष के और कांग्रेस के चमचागिरी करते हैं, वो भी उसके दूसरे पहलू को दिखा रहे हैं, और विपक्ष चिल्लाती रही एक साल तक। मोदी सरकार इसी तरह जम्मू कश्मीर में काम करती रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।